ज्यादा बड़े बड़े देश में फिर बंदा भी बोर हो जाता है। अरे बड़ी देख, एक आध बड़ी होनी थी। अच्छा अब इस एरो का मीनिंग बताते, ये एरो कहाँ यूज होंगे? जैसे आपको मल्टीप्लाई करनी है 45 की 29 से, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए इस एरो का यूज होगा। इस एरो का मतलब है 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 × 5 45 का 5 कैरी हो गया 4। इस 4 को हम कैरी कर देंगे ऊपर। अब इस 4 को, अब इनटू का मतलब है 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 को 9 से मल्टीप्लाई। 5 × 2 = 10, 9 × 4 = 36, कितने हो गए 46। और जो 4 हमारा कैरी था उसको ऐड किया तो हमारा हो गया 50 हो गया। 50 की जो 0 है उसको लिख दी, और जो 5 है उसको हम आगे कैरी कर देंगे। और अब इस एरो का मतलब है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4 × 2 = 8, 8 और 5 जो कैरी किया था हाँ उसको ऐड किया 13, 1305 हमारा आंसर है। इसको आप सेकंडों में आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि नया फॉर्मूला है आपके लिए 5678 × 9999। इसको भी आप बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हो। इसका आंसर आएगा 5677 4322।